तो गाइस ये था हमारा 100 वॉट का मोनो एम्पलीफायर बोर्ड और उसकी पावर। सो हेलो गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। सो गाइस, बहुत दिनों बाद मैं एक और क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड के साथ आ चुका हूँ। प्रॉपर रिव्यू होगा, टेस्टिंग होगी, ऑडियो टेस्ट होगा प्रॉपर तरीके से। तो आज की इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं मोनो एम्पलीफायर बोर्ड का। ये 100 वॉट का क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है, 100 वॉट का स्पीकर, बहुत ही इजीली चलाता है ये एक नॉन ब्लूटूथ एम्पलीफायर बोर्ड है। बाकी फीचर इसके मैं स्क्रीन पे बताऊंगा बैक कैमरे से। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो, और वीडियो पूरी देखना, बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑडियो टेस्ट करेंगे इसका। सो लेट्स गो। तो आइए गाइस, फाइनली थोड़ा डीपली जानते हैं अपने मोनो एम्पलीफायर के बारे में, क्लास डी के। ठीक है, ये क्लास डी आईसी के अंदर बेस्ड है, जिसका मॉडल नंबर है TP3116D2। इसका आउटपुट है 100 वॉट, 100 वॉट का स्पीकर, सिंगल स्पीकर, बहुत ही इजीली प्ले कर सकता है, ये बजा सकता है। इसका लुक कुछ ऐसा है, देख सकते हो, सारे कंपोनेंट्स एकदम ओरिजिनल है। और मैं आपको बता दूं, ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है, इसमें ना आपको कोई पोटेंशियोमीटर देखने को मिलेगा, ना कोई नॉब देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा वो है प्रीसेट। ये प्रीसेट है, आप देख सकते हो, यही हमारा वॉल्यूम कंट्रोलर है, ये देख सकते हो। अभी मैं इसको यूज करके भी दिखाऊंगा आपको इस प्रीसेट को, कि कैसे वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इस एम्पलीफायर बोर्ड में कोई भी ब्लूटूथ इनबिल्ट नहीं है, ना ऑक्स का ऑप्शन है। इसमें हमें ऑक्स खुद से लगानी पड़ेगी, यहाँ पे हमारी ऑक्स की केबल लगेगी, मैं बताऊंगा कि आप इसमें कैसे लगा सकते हो। और ये है हमारी डीसी सप्लाई, यहाँ पे हम डीसी सप्लाई देंगे अपनी 12 से 24 वोल्ट की। और ये है आउट, यहाँ पे हम अपना स्पीकर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस हीट सिंक के नीचे हमारी आईसी है, बहुत ही हैवी हीट सिंक है, आप देख सकते हो। ठीक है, जैसा कि आपको पता है क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, 90% ये एज अ ऑडियो देता है और 10% एज अ हीट निकालता है। ठीक है, तो आज इसका टेस्ट करने वाले हैं। गाइस, बहुत दिनों बाद मैं क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड की टेस्टिंग कर रहा हूँ, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। सो गाइस, फाइनली इसकी टेस्टिंग करते हैं, ऑक्स कनेक्ट करते हैं, पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं और स्पीकर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो। सो गाइस, ये है हमारा 150 वॉट का स्पीकर 8 ओम में, तो उसका कनेक्शन करेंगे हम। ये एक्चुअल में 150 वॉट का है, और जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है, मोनो एम्पलीफायर बोर्ड, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो सिर्फ 100 वॉट ड्राइव कर सकता है, पर हम 150 वॉट कनेक्ट करके देखेंगे क्या ये प्ले कर सकता है हमारा एम्पलीफायर को। उसका कनेक्शन करते हैं और टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, सबसे पहले हम स्पीकर का कनेक्शन करते हैं, और स्पीकर का कनेक्शन करते समय आप हमेशा पोलरिटी का ध्यान रखें, प्लस प्लस माइनस माइनस में ही कनेक्ट करें। तो मैं प्लस प्लस माइनस माइनस में ही कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, सो गाइस, स्पीकर का कनेक्शन हो चुका है। सो गाइस, अब पावर सप्लाई का कनेक्शन करते हैं। इसमें आप 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट की पावर सप्लाई दे सकते हो, और 24 वोल्ट पे बहुत अच्छा आउटपुट निकलेगा इस क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड से। अभी मैं यूज करने वाला हूँ इसको ऑपरेट करने के लिए 19 वोल्टेज का एडेप्टर, जो कि मेरे लैपटॉप का एडेप्टर है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है वो एडेप्टर जिसका मैं यूज करने वाला हूँ इसको इनपुट देने के लिए, पावर सप्लाई इनपुट देने के लिए। तो आप देख सकते हो 19.5 वोल्ट का ये एडेप्टर है हमारा 3.5 एम्पियर में। तो उसका कनेक्शन करते हैं, साउंड बहुत अच्छा आने वाला है। इससे भी अगर आप 24 वोल्ट का यूज करोगे तो और अच्छा आउटपुट निकल सकता है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कौन सी पावर सप्लाई इसमें दे रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आइए कनेक्शन करते हैं। तो कैसी है हमारे पावर सप्लाई के वायर्स, व्हाइट वाला प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है। और ये कनेक्शन हो चुका है, अब ऑक्स का कनेक्शन करते हैं। सो गाइस, ये है हमारी 3.5 mm की ऑक्स वायर, ये देख सकते हो, कुछ ऐसे काट के आपको कनेक्शन करने पड़ेंगे। इसमें तीन वायर्स थे, जिसको मैंने ग्राउंड वाला और वाइट वाला मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया है, और रेड वाला जो सिंगल है उसको मैंने सिंगल छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे भी आपको प्लस प्लस माइनस माइनस का ध्यान रखना है, और अब वाइब्रेशन थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी है। ओके गाइस, फाइनली कनेक्शन हो चुके हैं। ये हमारी पावर सप्लाई है, ये हमारे स्पीकर है, और ये हमारी ऑक्स केबल है। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट हमने कनेक्शन कर दिया है, अब फोन का कनेक्शन करते हैं ऑक्स के साथ। सो लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली टेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर देना, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। लाइक करने से पहले सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहे, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई भी पैसा नहीं लगता है, एक पैसा भी नहीं लगता है। तो आइए टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो आइए गाइस, फाइनली ऑक्स का कनेक्शन करते हैं अपने फोन में, और साउंड प्ले करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज लाइक कर दो। सो लेट्स गो, अब साउंड बढ़ाते हैं। ये देखिए,
गाइस साउंड मैंने कम कर दिया है, अब इसके प्रीसेट को छेड़ते हैं। ये इसका प्रीसेट है यहाँ पे, ये देखिए गाइस साउंड कम ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे हमने बिल्कुल कम कर दिया है, ये देखिए बिल्कुल ऑफ कर दिया है। अब फोन से वॉल्यूम एकदम अप कर देते हैं, वॉल्यूम अप कर दिया है, अब यहां से इंक्रीज करते हैं और इसकी मैक्स आउटपुट देखते हैं कितना आउटपुट ये एक्चुअल में देता है। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं, प्रीसेट को अप करते हैं, वॉल्यूम को ओके। ये देखिए गाइस क्या साउंड आया, लेट्स गो। सो गाइस देख सकते हो बहुत ही बढ़िया पावर थी, मोनो एम्पलीफायर बोर्ड है, बहुत ही बढ़िया आवाज थी। मेरे को तो भरोसा नहीं हुआ कि एक्चुअल में इसी का साउंड है, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है मोनो एम्पलीफायर बोर्ड, आज टेस्ट करके देख लिया है, एकदम हाई फाई साउंड आ रहा है, एकदम हाई फाई, मतलब दिल खुश हो गया इसका साउंड सुन के मोनो एम्पलीफायर का। मैं सजेस्ट करूंगा गाइस आपको इसको बाय जरूर करना। ये थी इसकी टेस्टिंग, मेरे को तो बहुत बढ़िया मजे आए। सो गाइस ये था हमारा 100 वॉट का मोनो एम्पलीफायर बोर्ड और उसकी पावर। अगर गाइस इस साउंड को आप लाइव सुनते खुद यूज करके खुद प्ले करके इसी तरीके से तो आपको भरोसा होता कि एक्चुअल में इसका साउंड कितना बढ़िया है, कितना पावरफुल ऑडियो बोर्ड है ये एक्चुअल में। एम्पलीफायर सिस्टम बनाओ, म्यूजिक सिस्टम बनाओ और इसका यूज करो, उसमें बहुत ही बढ़िया आउटपुट था, जेन्युइन था। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में क्लास डी का मोनो एम्पलीफायर बोर्ड टेस्ट नहीं किया है, पर आज करके देखा मजा आ गया, एक्चुअली मजा आ गया। अगर ये इंक्लोजर में होता ये स्पीकर तो और बढ़िया साउंड आ सकता था, हमने तो ओपनली इसको चेक किया है। सो गाइस बहुत ही बढ़िया टेस्टिंग थी, मेरे को बहुत बढ़िया लगा इसका ऑडियो टेस्ट, होप आपको भी पसंद आया होगा इसका ऑडियो टेस्ट। सो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और गाइस सारी फ्रिक्वेंसी भी एकदम क्लियर आ रही थी, चाहे मिड हो, लो हो, हाई हो, सारी फ्रिक्वेंसी एकदम क्लियर आ रही थी, बेस भी एकदम बढ़िया आ रहा था। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके ही जाना ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहे, और बाकी वीडियो ही मेरी चेकआउट करना इस चैनल पे। और गाइस इस एम्पलीफायर बोर्ड को आप बाय कर सकते हो, बाय करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर वगैरह आप वहां से बाय कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, ऑल इंडिया डिलीवरी है, कहीं पे भी मंगा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स गो।